इन आंधियों को, ये झुग्गियाँ आंधियों के साथ उड़ जाएगी। और ये माहौल है इस तरह से, ये सुबह सुबह का माहौल आप पुष्कर के तीर्थराज पुष्कर के माहौल से देख रहे हैं दोस्त। सरकार हमारी नजर नहीं देखता, देखता नहीं, नहीं देखता। हाँ, वोट तो ले थे और वोट तो ले लेता है, फिर पीछे देखता ही नहीं, नहीं देखता। भोपा मतलब भोपा नाइक नायक, और भील अलग होते हैं? नहीं, भील मैंने उनमें से ही निकले हुए हो आप? भील मैंने भील में ही। हाँ अच्छा, आप भील में ही हो ना। तो ये आप पानी भी लेके आती है इतने दूर से, और रोटी भी बनाती है वहाँ से, जंगल से लकड़ी लेके आने पड़ती है ना। तो संघर्ष तो देखो महिलाओं को ही बहुत ज्यादा है ना, और कितनी मेहनत है वो तो मैं समझता हूँ। परेशानी बहुत ही बना परंपरा आप धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये धीरे धीरे हमारा ये सत्ता धीरे धीरे खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। क्योंकि जैसे आपके बच्चे हैं, बच्चे हैं, ये सब ये धीरे 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 ये कलाकारी छोड़ रहा है। ये माने हुए हमारे राजस्थान का ये मानेवारी ये कल से बिल्कुल, ये गाना बजाना हमारे राजस्थान का मानेवा कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपने ये काम कहाँ कहाँ तक किया है? ये हमारा ये काम है जैसलमेर है, नागौर है, जोधपुर है, जयपुर है, दिल्ली है। अच्छा, मेरी बहुत बहुत मांग होती है। बिल्कुल मांग होती है। हाँ। क्योंकि देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ हकीकत में कोई नूर हीरे की जैसे हो गया, क्योंकि आप जैसे मतलब कलाकार है ना वो कम धीरे धीरे हो गए, तो इसकी मांग भी बढ़ने लग गई है। बहुत काम कम हो गया मेरी, अब ये चीजें ढूंढने से नहीं मिलेगी, ये ढूंढने से नहीं मिलेगी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसको चाहने तो लगे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। ये हमारी अब धीरे धीरे इनके जगावर हो रही है। ये जो आपका एरिया है, ये पुष्कर के आप एक डेजर्ट एरिया में बैठे हैं, तो यहाँ पर कितने सालों से बैठे हैं? ये हमारे गांव को 40 साल हो गया। 40 साल हो गए। तो इन आप कच्ची घास फूस की झोंपड़े में रहते हैं? घास फूस की झोंपड़े मतलब कहीं पहले हमारे जागली था, हमारे बूढ़ा बडेरा का खेती जमीन थी,
पर कहीं ये पाउज महाराज के ये रोग चल जाता है, ये गला के मान गांठ होके भी आदमी खत्म हो जाता। अच्छा, आदमी के है ना। हाँ, जज पद कहीं ये पाउज महाराज पद प्रगटे अपने राजस्थान के। हाँ, तो फस मैंने फस ये पाउज महाराज के फस ये भीलवाड़ा से ये पड़ कड़ाई थी। अच्छा, जज फस मैंने गाँव 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 मेरे ले जाता मेरे आज अठे ले गया तो कल मेड़ से ले गया, मेड़ से ऐसे ऐसे फस मैंने ये हमारे जाति से। अब जो आपको बुलाते हैं ना वो शोक से बुलाते हैं, शोक से भक्ति भाव से नहीं बुलाते। भक्ति भाव से नहीं बुलाता, शोक हो गया अब क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत हो गए, लेकिन वो आप अच्छा आपको बुलाते हैं। बुलाता, पहले बुलाते थे तो आपका मतलब पूरा मतलब इज्जत होती थी पूरे माँ भाव से। मेरे भाव से होता इज्जत होती से, मेरी बहुत मान करता लेने करता। और आज का क्या माहौल है, आज बस पैसे दिए और बात खत्म। बात खत्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, आज भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं ये। और आपका शुभ नाम क्या बताया? हमारा गाछी 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 कलाकार, गाछी जी कलाकार हैं। और ये पुष्कर मेले में अपना 40 सालों से अपना कलाकारी दिखाते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। और आज भी देखो यहाँ पर गोबर से ये बना हुआ है। और यहाँ देखो आंटी जी जो है बाजरी की रोटी देखो भाई बनाई है इन्होंने, बाजरी की रोटी। और ये गैस गूस का तो आंटी जी नहीं है, गैस का तो है। तो आप भी देखो कितना बढ़िया और मीठा गाती हैं, है ना। तो आप अपने पति के साथ रहती है, बढ़िया बात है। और देखो आप पानी भी लेके आती है इतनी दूर से, और रोटी भी बनाती है वहाँ से, जंगल से लकड़ी लेके आनी पड़ती है ना। तो संघर्ष तो देखो महिलाओं को ही बहुत ज्यादा है ना, और कितनी मेहनत है वो तो मैं समझता हूँ, परेशानी बहुत ही बना। अच्छा ये सरकार कह रही है अशोक जी गहलोत हर घर जल और हर घर नल, मतलब नलका लगा देंगे यहाँ पे, तो नलका आपके नहीं लगा अभी तक। माँ के तो कोई नलका और कोई वो हेडपम्प है जो कोई खोटो है, एक ग्राम को सुखी नल चलावे जन रावत है जो वो जन पानी पियाने तेरे पानी बंद है माँ के लिए। अच्छा वो नलको जो कोई खोटो पीड़ियो। अच्छा वहाँ पे वो पानी की लाइन लग रही थी लाइन लग ऐसी लगती है लाइन गर्मियों में कहीं को नहीं, एक रावत है जो वो भरे बापड़ो पानी। अच्छा वो बेचारा समझता है वो सहायता कर मेली वो आपका खुद का बेरा हूँ पानी भरा रही हो माने। ओ देखो उसका भाई भगवान भला करे, सही बात। 40 साल वो ही पानी पा रही हो जिसका ये भगवान दे रिया भी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितनी बड़ी बात है। नेड़ी दूर में माँ की 40 साल में कोई पानी पीबा कोई सुवाई तो कोनी, अटे हेडपंप बहुत काने खोटी वेगी भी नहीं चलू नहीं करी। अच्छा गर्मियों में जब पानी की समस्या होती है तब कैसा होता है वो? अब गर्मी में ही चलावे और लाइन तो लगती है, सुबह 4 बजे जाती है आपकी बच्चियाँ पानी लेने ना? 4 बजे जावे जो को अब 10 बजे आई आने पानी भरता भरता वो दड़ो चढ़े वो देखो आप खींच लिए भूई नहीं मैं आप देखियो आप रहे आप घर भी देखियो अबे बच्चा आप सुन नाम नहीं बतायो मारा। हाँ मारा कमला, कमला देवी, कमला देवी जी के देखो संघर्ष भरे दिन है और आज दुख होता है दोस्तों, इतने बड़े कलाकार संस्कृति को जिंदा रखते हैं ये, और सरकारों की आंखें बंद है, इनके तरफ कोई नजर नहीं है। और ये बड़े ही ईमानदार होते हैं और बड़े ही सने और स्वभाव के अच्छे होते हैं दोस्तों। और देखिए आज ये हालात जो हैं विचलित करने वाले हालात हैं, और महिलाओं को गैस के सिलेंडर भी दिए जाते हैं फ्री में, वो नहीं है। यहाँ पर मैं जीरो ग्राउंड जीरो की आपको रिपोर्टिंग में दिखा रहा हूँ। और अगर बात करें रेगिस्तान के जहाज़ की और यहाँ झुग्गी झोंपड़ियों की बात करें तो घास फूस की ये बनी हुई है, अगर आंधियाँ चलेगी तो लगातार इन आंधियों को ये झुग्गियाँ आंधियों के साथ उड़ जाएगी। और ये माहौल है इस तरह से, ये सुबह सुबह का माहौल आप पुष्कर के तीर्थराज पुष्कर के माहौल से देख रहे हैं दोस्तों। और अगर झुग्गियों के अंदर की बात करें तो यहाँ पर ऐसे ये झोंपड़ियाँ हैं और यहाँ कच्चे में ही खाना बनाते हैं देखिए, और ये कच्चा है बिल्कुल, बालू रेत है यहाँ पे। और तो ये भोपा है और भील जिन्हें कहा जाता है। और ये देखिए ये एक झोंपड़ा और है अंदर से, मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए। यहाँ पानी पूनी के लिए स्टोर के लिए है ये। सामने से देखिए ये पानी लेके आ रही है, अभी मैंने जो बताया था इतनी दूर से पानी, कम से कम 1 किलोमीटर का ये लंबाई है और इतनी दूर से ये पानी, तो सुबह लाइन लग ही जाती है यहाँ से आ रही है ना। अब मैं जूम करके आपको और दिखाता हूँ, पीछे महिलाएं और आ रही है देखो,
ये देखो, तो ये पानी के लिए जदोजहद यहाँ की सुबह सवेरा होते ही पानी की जदोजहद है जो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, ये भाई का कोई शायद घोड़ा होगा किसी का, और ऑल ओवर मैंने आपको ये दृश्य दिखाया, ये ऊँट वगैरह हैं। और यहाँ पर इनका मुख्य काम पर्यटक जो आते हैं उनको लुभाना, उनके साथ व्यवहार इनका अच्छा होता है तो ये अपना रोजी रोटी कमा लेते हैं। बाकी मेन मुख्य बात करना तो सरकारी व्यवस्थाओं से ये बिल्कुल जीरो और वंचित है दोस्तों। तो ये चीज़ें, क्योंकि देखो कागज़ों में काम होता है, इनके लिए भी होता है काम, लेकिन यहाँ पर अगर आएंगे ना अपन तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। अपने खुद की मजदूरी करके खाते पीते हैं और अपना गुजारा करते हैं, और पढ़ाई लिखाई जो है ये नहीं है, क्योंकि जब जहाँ शिक्षा का अभाव होगा ना तो वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से मैंने आपके लिए एक वीडियो शेयर किया, अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जो घंटी वाला बटन है उसको दबा दें, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ विलेज लाइफ, ओल्ड कल्चर और धार्मिक स्थलों के डालता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार।